हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्ट्रेटेजी के में तो गाइस जी अपन तो बात करेंगे डेली लेसन प्लान में कक्षा पाँच छः सात और आठ के स्वास्थ्य शिक्षा विषय के एक नए लेसन प्लान को लेकर दोस्तों जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है खेल इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तीन कॉलम बनाने हैं पहला कॉलम दोस्तों आपका जो रहेगा वो है क्रम संख्या सेकेंड दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य तीसरा दोस्तों आपका जो कॉलम है वो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसके बाद में दोस्तों जो आपका पहला बिंदु रहेगा वो है ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक दोस्तों आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी खेल से संबंधित विभिन्न तथ्यों तथा या बिंदुओं का प्रत्यासमरण व प्रतिविज्ञान कर सकेंगे इसके बाद में नीचे दोस्तों आपको तीनों को तीनों पॉइंट लिखने हैं पहला पॉइंट है दोस्तों आपका जो फुटबॉल खेल सेकंड हॉकी खेल तीसरा क्रिकेट खेल इसके बाद में अवबोध आपका सेकंड पॉइंट है इसमें अवबोध में दोस्तों पहला पॉइंट है विद्यार्थी खेल के बारे में व्याख्या कर सकेंगे सेकेंड पॉइंट है विद्यार्थी खेल से संबंधित विभिन्न तत्वों को स्पष्ट एवं का स्पष्ट एवं उनका वर्गीकरण कर सकेंगे और तीसरा जो पॉइंट है वो है सहनी बना सकेंगे और चौथा पॉइंट है तुलना कर सकेंगे इसके बाद में तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग ज्ञानोपयोग में पहला पॉइंट है विद्यार्थी खेलों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे सेकेंड पॉइंट है इसमें विद्यार्थी खेलों से प्राप्त ज्ञान का संबंध पूरा ज्ञान से स्थापित कर सकेंगे यह तीसरा पॉइंट हो गया इसके बाद में चौथा पॉइंट है कौशल कौशल में लिखना आपको विद्यार्थी खेलों से संबंधित संबंधित तथ्यों का चार्ट व मॉडल तैयार कर सकेंगे इसके बाद में पांचवा पॉइंट है अभिरुचि अभिरुचि में पहला पॉइंट है विद्यार्थी खेलों से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समाचार पत्र लेख आदि पढ़ने में रुचि ले सकेंगे सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी खेलों से संबंधित विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर करेंगे तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी खेलों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे ये तीनों पॉइंटों के इसके बाद में छठा पॉइंट है अभिव्यक्ति अभिवृत्ति में नोट डाउन करना आपको विद्यार्थी खेलों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों तथा तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे इसके बाद में नीचे आपको लाइन खेल देनी है फिर लिखनी है आपको सहायक सामग्री सहायक सामग्री जैसे लपेट प्लग डस्टर चौक पॉइंटर ड्राइंग तथा विषय वस्तु से संबंधित सामग्री आदि ये लिखने के बाद में नीचे लिखना आपको शिक्षण बिंदु शिक्षण बिंदु पहला जो आपका है वो व्याख्यान विधि सेकंड प्रश्नोत्तर विधि तीसरा आगमन निगमन विधि इसके बाद में पूर्व ज्ञान पूर्व ज्ञान में लिखना विद्यार्थी खेलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं फिर बनाने है आपको प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न में तीन कॉलम पहला कोलम क्रमसिंख्या सेकंड कॉलम छात्र अध्यापक क्रियाएँ और तीसरा कॉलम आपका जो छात्र क्रिया पहला प्रश्न होगा आपका प्रस्तावना में वो है आपका सूर्य कब उगता है तो आपको लिखना है सुबह फिर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य सुबह हम कहाँ जाते हैं तो विद्यालय में तीसरा प्रश्न विद्यालय से आने के बाद हम शाम को पार्क में क्या करने जाते हैं तो आपको लिखना है खेल खेलने जाते हैं इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका हुआ है खेलों के बारे में आप और क्या जानते हैं तो यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया इसके बाद मैं आपको नीचे लाइन खेल देंगे फिर लिखना आपको उद्देश्य कथन उद्देश्य कथन में लिखना प्रिय विद्यार्थी इस चीन को आपको नोट डाउन करना है फिर आज हम खेलों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करें, करें। करेंगे फिर लिखना आपको प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण में लिखना छात्र अध्यापक द्वारा व्याख्यान विधि से पाठ का विस्तारपूर्वक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा इसके बाद में नीचे आपको छः कॉलम बनाने हैं पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या सेकंड जो आपका शिक्षण बिंदु का तीसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया का चौथा छात्र क्रिया का पाँचवा सहायक साम क्रिया और छठा श्याम पट्ट सार का जो पहला कॉलम जो पहला आपका जो पॉइंट रहेगा वो है फुटबॉल फुटबॉल में आपके विकासात्मक तो प्रश्न कौन कौन से हैं पहला आपका फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको लिखना फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको इसे लिखना है फुटबॉल खेल में कितनी टीमें होती हैं खिलाड़ी ने कितनी टीमें है? तो आपको लिखने है, आमने सामने कितनी टीमें होती हैं दो सेकंड क्वेश्चन है आपका फुटबॉल में कितने फुटबॉल में कितना मैदान आवश्यक होता है तो आपको लिखना है बड़ा मैदान तीसरा क्वेश्चन है फुटबॉल के फुटबॉल खेल के बारे में आप क्या जानते हो तो ये आपका समझ प्रश्न हो गया इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन अध्यापक कथन में लिखना है फुटबॉल एक खेल होता है जिसे पैरों से ठोकर मारकर खेला जाता है इस खेल की अवधि नब्बे मिनट की होती है एक एक दूसरी टीम के विपक्ष में गोल करने का प्रयत्न करती है ये लिखना आपको अध्यापक कथन में इधर आपको छात्र क्रिया में लिखना है आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और सहायक सामग्री में आपको लिखना है लपेट पलख चौक, डस्टर पॉइंटिंग ड्राइंग और आदि यहाँ तक लिखना है इसके बाद में आपको ये चित्र बनाना है उसके आगे आपको चित्र बनाना कैसा है कैसा फुटबॉल फुटबॉल का चित्र बनाना है, फिर लिखना आपको इस खेल को पेड़ से ठोकर मारकर खेला जाता है फुटबॉल खेल को गेंद का गेंद का खेल भी कहा जाता है गेंद का खेल भी कहा जाता है फुटबॉल को ये लिखना है ऐसा कैसा किसके आगे इस छात्र अध्यापक के आगे लिखना है ऐसा कैसा चार चिपका की इसके बाद में बोध प्रश्न पहला बोध प्रश्न है फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी कितनी कितने खिलाड़ी होते हैं तो फुटबॉल खेल खेल में ग्यारह खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर ऐसे लिखना आपको इसके बाद में फुटबॉल खेल कितनी देर तक चलता है तो आपको लिखना है नाइन्टी मिनट तक यानी नब्बे मिनट तक फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका हॉकी हॉकी में आपका विकास है तो पहला है हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो तो आपको यहाँ ऐसा करना हॉकी खेल में कितने खिलाड़ी नहीं कितनी टीमें होती है आमने सामने तो आप, आपको लिखना है दो टीमें फिर नीचे प्रश्न आपका हॉकी खेल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो एक टीम में होते हैं ग्यारह खिलाड़ी फिर तीसरा प्रश्न है हॉकी खेल के बारे में आप और क्या जानते हैं यह आपका हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है हालांकि यह सब देशों में खेला जाता है भारत हॉकी का सर्व भारत हॉकी का संकाल के नायक मेजर ध्यानचंद धनराज आदि हैं इस खेल में दो टीमों में ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी होते हैं इसके बाद इधर आपको लिखना है छात्र ध्यानपुरुष सुनेंगे और समझेंगे और आपको सहायक सामग्री में लिखना है आपको लपेट प्लक चौंक डस्टर पॉइंटिंग ड्राइंग और आदि इसके बाद में नीचे आपको बहुत प्रसन्न बनानी है भारत में ओकी का जादूगर किसे कहा जाता तो आपका ये आंसर होगा मिधर ध्यानचित फिर आपका तीसरा पॉइंट होगा क्रिकेट क्रिकेट में आपके विकास तो प्रश्न है पहला है क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आपको लिखना है ग्यारह फिर सेकंड क्वेश्चन है क्रिकेट में कितनी टीमें होती है तो आपको लिखना है दो टीमें फिर तीसरा प्रश्न हो जाए क्रिकेट खेल के बारे में आपको क्या जानते हैं तो आपका ये संभावित प्रश्न हो गया फिर आपको क्रिकेट के बारे में लिखना है छात्राध्यापक में लिखना है क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ खेला जाने वाला फिर आगे आपको अगले पेज पर मिलेगा फिर इधर आपको ये लिखना है छात्र ध्यान सुनेंगे और समझेंगे और सहायक सामग्री में आपको लिखना है लपेट प्लग चौंक डस्टर पॉइंटेड टैंक आदि फिर ये आप आपके ये आगे जो छुटा हुआ वो आ गया यह आपको जो का चित्र वो बनाना है आपको चार्ट ब्लैक चार्ट पे ऐसा कैसा फिर ये आगे आ गया जो आपके क्रिकेट वाला पॉइंट था उसमें छुटा हुआ पेशा स्तर का आउटडोर खेल है इसमें ग्यारह ग्यारह खिलाड़ियों की खिलाड़ियों की दो टीमें होती है क्रिकेट जब खेला जाता जब तक पचास पाँच पचास पचास और पूरा नौ और इधर आपको लिखना है वो छुटा हुआ और फिर आपको वो जो बहुत प्रश्न है वो आ गया आपके इस पॉइंट के पहला बहुत प्रश्न क्रिकेट खेल खेला जाता है क्रिकेट कैसा खेला है तो आपको लिखना आउटडोर गेम फिर क्रिकेट में कितनी टीमें के कि बीच मैच होता है तो दो टीमें यह आपको बहुत प्रश्न हो गए फिर आपको पहले आपको मूल्यांकन प्रश्न बनानी है ये चित्र आपको बनाना है क्रिकेट का बैट का मैं आप आगे दिखा दूंगा अगले वाले पश्च पे यह चित्र बनाना आपके ब्लैक चार्ट पे ये इसलिए नहीं दिखा रखे क्योंकि अगले जो पेज होता है उस पर मैंने दिखा रखे हैं ये चित्र आपके जितने भी हैं जैसे ओकी का चित्र हो गया उसका फुटबॉल का और साथ में आपका क्रिकेट का ये तीनों चित्र मैंने अगले पश्च पर दिखा रखे हैं तब आपके ये पेज हैं वो आपको पलटे जा रहे हैं तो आपको मूल्यांकन प्रश्न आ गए मूल्यांकन प्रश्न पर सभी प्रश्न करने अनिवार्य है पहला वस्तु प्रश्न भारत का राष्ट्रीय खेल क्या के है तो आपको ये चार ऑप्शन है जैसे किस आपको चार ऑप्शन लिखने हैं क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी हॉकी फिर अति लोकतात्मक प्रश्न भारत में हॉकी का जादू किसे कहा जाता है फिर आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न हॉकी व क्रिकेट में क्या अंतर है चौथा क्वेश्चन निमंत्रात्म प्रश्न हो गया क्रिकेट खेल के नियम क्या क्या है ये लिखना है फिर आपका ग्रहकारी ग्रहकारी में आपका पहला प्रश्न है फुटबॉल खेल पर लेख लिखिए सेकंड क्वेश्चन आपका बच्चों के द्वारा खेला जाने वाला कोई कोई एक खेल का वर्णन करे यह आ गया आपका जो है आपके गृह फिर मैंने जो आपको बताया थे फुटबॉल का चित्र यह आ गया क्रिकेट का चित्र ये मैंने आपको क्रिकेट का चित्र आ अगले प्रश्न पर दिखा रहा हूँ हम हर में ये क्रिकेट का चित्र बनाना आपको ब्लैक चार्ट पे चिपकाना है श्याम प्रसार में यह आपका हॉकी का चित्र आ गया और फिर ये आपका ऊपर मैंने दिखाया था फुटबॉल का चित्र अगले पेज पे यह लगा चिपकाने आपको यह आपका स्वास्थ्य शिक्षा का एक लेसन प्लान समाप्त हो गया आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि तो जैसे मैं आ अगले जो लेसन प्लान है उसका वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं तब तकली जय जब हिंद जबरत